नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इसमें हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं पूरा जून तक का, ठीक है, जून 2018 तक का देख रहे हैं, और इसी को मैं और भी एक्सटेंड करके और आगे तक बढ़ा दूंगा। जब आपका देखिए 19 अगस्त को यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स है, तो अभी ये जून तक का है, जून 2018 तक का है इसमें करंट अफेयर। और कहां से है ये? पिछले एक साल का, यानी कि आपका जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 तक का पूरा करंट अफेयर है। ये वाली सीरीज आप पूरी देख लीजिएगा, इसके पहले जो वीडियो थे वो सब भी मैं इसमें कर दूंगा। तो बस ये वाली जब सीरीज पूरी हो जाएगी तो 8-10 घंटे का जो टोटल वीडियो होगा वो मैं आपको दे दूंगा पूरा एक साथ का जोड़ के, ठीक है। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं, अभी दो वीडियो हो चुके हैं, तीसरा वाला इसमें देखेंगे। उससे पहले एक ये चीज देख लीजिए, ये हमारी वेबसाइट, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये देखिए वेबसाइट है, इसमें मैंने फ्री पीडीएफ डालनी चालू कर दी। अभी आपको 3 महीने का करंट अफेयर के जो हिंदी के एमसीक्यू क्वेश्चन है वो आपको डाले हैं, लेटेस्ट पोस्ट में आपको जाके देखना है, और पूरी पीडीएफ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। जो ये वाली पीडीएफ मैं बना रहा हूँ टोटल, ठीक है, ये वाली कई सारी पीडीएफ होंगी, इसके लिए एक पैकेज मैं लॉन्च कर दूंगा इंस्टा मोजो पे। जिसको एक साथ पीडीएफ चाहिए वो वहां से ले लीजिएगा, और जिसको वेबसाइट में फ्री में पढ़ना है तो वेबसाइट पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, अभी जैसे एग्रीकल्चर डेटा भी किया है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, आप सर्च कर लीजिएगा, सब कुछ मिल जाएगा इसमें। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वैसे मैं पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी बताना जरूरी है क्योंकि अब इसमें पूरा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। पहली बात तो इंडिया की रैंक कितनी थी, टोटल ओवरऑल रैंक कितनी थी इंडिया की? 3rd, ठीक है। नंबर 1 पे कौन था आपका? ऑस्ट्रेलिया, और नंबर 2 पे था इंग्लैंड। इंडिया ने कितने मेडल जीते? इंडिया ने 66 मेडल जीते हैं, 26 गोल्ड जीते हैं, 20 सिल्वर जीते हैं और 20 ब्रॉन्ज जीते हैं। तीनों चीज याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ये इंडिया का अभी तक का 3rd बेस्ट शो है, 3rd बेस्ट परफॉर्मेंस है। कहां पे? कॉमनवेल्थ गेम के इतिहास में भारत का ये अभी तक का तीसरा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है। सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस इंडिया ने कब किया था? 101 मेडल लाए थे ये लोग नई दिल्ली में, जब हुआ था कॉमनवेल्थ। अच्छा ये बताइए, कॉमनवेल्थ सबसे पहला वाला कहां पे हुआ था और एशियन गेम सबसे पहला वाला कहां पे हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ये आ सकती हैं बिल्कुल, जैसे मनिका बत्रा, ये बहुत फेमस हैं और ये इंडियन की टेबल टेनिस की प्लेयर हैं, और इन्होंने चारों इवेंट जिसमें पार्टिसिपेट किया चारों में ही इन्होंने मेडल जीते हैं। देख लीजिए, सिंगल्स गोल्ड में, वुमेन डबल गोल्ड में, वुमेन टीम गोल्ड में, और आपका मिक्स डबल ब्रॉन्ज में। तो देखिए गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं जो हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, इनको कहीं कुछ एम्बेसडर बनाया जाए, मनिका बत्रा जैसे लोगों को। ये लोग इतनी मेहनत करके मेडल लाते हैं, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, बनाती है प्रियंका चोपड़ा जैसे लोगों को, जो अभी यूएस में जाके भारत की ही बेइज्जती करा रहे हैं, आपको पता ही होगी इवेंट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। उसके बाद देखिए ये है कि इंडिया के मैक्सिमम मेडल, सबसे ज्यादा मेडल इंडिया ने कहां से जीते हैं? इंडिया ने शूटिंग में से 16 मेडल जीते थे, और शूटिंग को ही जो है अगले बार से होगा नहीं, 2022 से कह रहे हैं शूटिंग हट जाएगी, तो इंडिया ने भी बोल दिया है कि हम भी बायकॉट कर देंगे ये, ठीक है। तो शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं इंडिया ने, और इंडिया की जो 10 मेंबर की टेबल टेनिस टीम थी उसमें से 8 मेंबर आए हैं, देख लीजिए, 3 गोल्ड 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज। उसके बाद ये आप देखेंगे तो इंडिया का ये वोमेन की टेबल टेनिस में इंडिया ने अपना पहला कॉमनवेल्थ का गोल्ड जीता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे दीपक लथेर जो हरियाणा के हैं, ये यंगेस्ट इंडियन वेट लिफ्टर बन गए हैं जिनको कि ब्रॉन्ज मिला है वो मेंस की 69 कैटेगरी में। इंडिया के शूटर जो है अनीश भनवाला, ये बन गए हैं कंट्री के यंगेस्ट एवर गोल्ड मेडल, ठीक है, यंगेस्ट, ये सबसे अभी तक के यंगेस्ट है, ये गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने, और ये किसमें जीता है? 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में। तो ये कहाँ के हैं? ये अनीश बनवाला, ये आप याद रखिएगा जरूर, ठीक है। फिर नीरज चोपड़ा जो कि हरियाणा के हैं, अच्छा ये अनीश बनवाला इसमें ये नहीं लिखा है कहाँ के, ये एक बार देख के बता दीजिएगा जल्दी से, अभी मैं कंटिन्यू करता हूँ। नीरज चोपड़ा का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम रिकमेंड किया गया राजीव गांधी खेल रत्न के लिए, जो कि हाईएस्ट स्पोर्ट अवार्ड है। तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के हैं और ये पहले इंडियन जेवलिन थ्रो मतलब पहले इंडियन जेवलिन थ्रोअर है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, समझ रहे हैं आप कितना इंपॉर्टेंट है ये। इनसे पहले भी लोगों ने जीता है लेकिन गोल्ड नहीं जीता था, ठीक है। उसके बाद फिर ये फिफ्थ ये है ट्रैक एंड फील्ड गोल्ड है, साइना नेहवाल पहली ऐसी इंडियन बन गई जिन्होंने 2 सिंगल गोल्ड जीते हैं कॉमनवेल्थ गेम में, पहले एक जीता था 2010 में और फिर एक गोल्ड जीता है इस बार पीवी सिंधु को हरा के। इस बार दोनों जो फाइनल में थे दोनों कंटेस्टेंट आपके इंडिया के ही थे, हमारे
साइना नेहवाल और पीवी सिंधु। उसके बाद देखिए इंडिया की बैडमिंटन का भी अगर आप देखें तो 7 मेडल आए इंडिया से। फिर ये देखिए मीराबाई चानू, ये सब खिलाड़ी इसलिए इंपॉर्टेंट है, इनका और नाम भी पूछ लें कि ये किस चीज से एसोसिएटेड है। तो ये वेट लिफ्टर है, इन्होंने इंडिया का पहला गोल्ड जीता है वुमेन की 48 कैटेगरी में। ठीक है, इंडिया के मेडल अगर आप देखेंगे तो शूटिंग में सबसे ज्यादा मेडल है, फिर सेकंड नंबर पर रेसलिंग है। तो ये दो इंपॉर्टेंट याद रखिएगा जरूर। फिर है आपका कि फ्लैग बेयरर कौन थी इस कॉमनवेल्थ में आपकी इंडिया की तरफ से, तो वो थी पीवी सिंधु। ठीक है, स्टार्टिंग इन्होंने की थी और फ्लैग क्लोजिंग सेरेमनी में कौन थी, मैरी कॉम। तो ये जरूर याद रखिएगा। उसके बाद फिर आपका 2018 वाला जो है वो गेम कौन से नंबर का था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ लेते हैं क्योंकि, तो 2018 में जो कॉमनवेल्थ हुआ वो कौन सा था, 21वें नंबर का था, याद रखिएगा 21वां कॉमनवेल्थ था ये। और ये हुआ था आपका ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, क्वींसलैंड में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक 5 बार वहां पे हुआ है ये कॉमनवेल्थ। 2018 वाला जो था 21वां था, और इसका मोटो क्या था, शेयर द ड्रीम, ये आप याद रखिएगा। फिर ये देखिए ये बोरोबी आपको दिख रहा होगा ये पिक्चर में, इसको याद रखिएगा। ये क्या था, ये एक मैस्कॉट था 2018 वाले कॉमनवेल्थ गेम का, ये मेल को कोला करके। ठीक है, उसके बाद ये पहली बार हुआ ऐसा कि आपके जितने भी जो इवेंट हुए हैं तो सेम नंबर ऑफ मेल और फीमेल ने पार्टिसिपेट किया है। फिर ये हुए कहाँ पे थे, गोल्ड कोस्ट में, करारा स्टेडियम में। इसके बाद फिर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ पढ़ लीजिएगा, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। बाकी टोटल कितनी कंट्रीज ने मेडल जीते वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट वाली चीज बता दी गई है। प्रोजेक्ट धूप, ये इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट धूप। पहली बात तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि ये किसने स्टार्ट किया है, तो ये किसने स्टार्ट किया है, FSSAI ने, यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इन्होंने ये किस लिए किया है, क्योंकि देखिए अगर इस समय देखा जा रहा है कि जो विटामिन डी की डिफिशियंसी है वो बढ़ती जा रही है बच्चों में, तो इन्होंने ये आपका बोला है कि आप ऐसा करो कि जो इनकी मॉर्निंग असेंबली होती है जिसमें प्रेयर वेयर होती है, एक ऐसी असेंबली होनी चाहिए 11 से लेके 1 बजे के बीच में, दोपहर 11 से 1 बजे के बीच में, ताकि जो सनलाइट है उसका इनको कुछ ना कुछ जरूर मिले। देखिए सन से हमको डायरेक्टली विटामिन डी मिलता है, ऐसा तो कई बार हम लोगों ने पढ़ा भी हुआ है, तो वही बात है कि धूप में थोड़ी देर खड़ा रखिए तो थोड़ा विटामिन डी आ जाएगा। हालांकि उसके और भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लोगों को इतनी गर्मी में धूप बर्दाश्त भी नहीं हो सकती है। तो चलिए याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट धूप जो है किससे रिलेटेड है, विटामिन डी से रिलेटेड है। FSSAI ने ये आपका प्रपोज किया है और 11 से 1 तक खड़ा रखने के लिए, दिल्ली में ये इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। और भी विटामिन डी किससे किससे मिलता है, सनलाइट से मिलता है, आपका फूड प्रोडक्ट जैसे मिल्क है, एडिबल ऑयल है, इन सब से मिलता है। इंदु मल्होत्रा कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। देखिए कुछ आपके रिकॉर्ड बता दूं, जैसे पहली सुप्रीम कोर्ट जज बनने वाली महिला कौन थी, फातिमा बीबी जी। उसके बाद पहली हाई कोर्ट जज बनने वाली अगर आप आजादी के बाद की बात करेंगे तो लीला सेठ थी, और आजादी से पहले अन्ना चांडी। तो ये दो फैक्ट याद रखिएगा। अब इंदु मल्होत्रा क्या है, इंदु मल्होत्रा ऐसी पहली जज हैं, ऐसी पहली सुप्रीम कोर्ट जज है जिनको लॉयर से, वुमेन लॉयर से डायरेक्टली आपको जो बार से मतलब डायरेक्टली इनको प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। तो ये इस चीज का रिकॉर्ड है इनका, ठीक है, यूनैनिमस इनका रिकमेंडेशन हुआ था। और जो भी कोलेजियम होती है सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, हाई कोर्ट के जज इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का टोटल वीडियो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव लक्ष्मीकांत से मैं बना चुका हूँ, आप उसमें देख लीजिएगा, सब बताया है। कि जैसे आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के कोलेजियम में कितने लोग होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और प्लस आपके 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, और हाई कोर्ट में कितने होते हैं, 3 होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस ये होते हैं। तो ये है, आप याद रखिएगा। उसके बाद इस अगर देखिए अगर अभी तक आजादी की आप हिस्ट्री देखेंगे आजादी के बाद की, तो केवल 6 महिलाएं हैं जो सुप्रीम कोर्ट की जज बन पाई हैं। और इस समय प्रेजेंट स्टेटस में अगर आप देखें इस समय भी सिर्फ एक है, आर भानुमति करके हैं, और दूसरी ये हो गई है, ये जो आपकी इंदु मल्होत्रा है, इनका नाम बहुत जगह से एसोसिएटेड है। गुड समरिटन लॉ बनाया था इन्होंने, गाइडलाइन बनाई है, विशाखा जो आपकी सेक्सुअल हेरेसमेंट है वर्क प्लेस पे होता है उनसे रिलेटेड भी है। तो ये है। फिर देखिए नेक्स्ट है इसमें डालमिया जो भारत ग्रुप है, इन्होंने दिल्ली का रेड फोर्ट जो है लाल किला अडॉप्ट किया है, 5 सालों के लिए। यहाँ पे इनको सिर्फ ये है कि रख रखाव के लिए, साफ सफाई के लिए दिया गया है। और अभी जैसे आप देखें अगर न्यूज में तो काफी कुछ इन्होंने बदला भी और काफी अच्छे से कर भी रहे काम। ये कितने के लिए मिला है, 25 करोड़ में डील हुई है 5 सालों के लिए।
और इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए जो लाल किला है उसको बनवाया किसने था, मुगल रूलर जो शाहजहां था उसने बनवाया था। और इसमें शाहजहां ने क्या किया था, आगरा से जो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है वो दिल्ली में शिफ्ट की थी। अब देखिए ट्रैवल से रिलेटेड काफी सारी चीजें हैं, जैसे अगर आप यूपीपीसीएस मेंस देने जा रहे हो तो टूरिज्म में आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत फोकस किया है, जैसे एक अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम इन्होंने स्टार्ट की है, ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। यूपी में भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं, तो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम के तहत ही इसमें किया गया, एक एमओयू साइन किया गया था किसके किसके बीच में, डालमिया भारत ग्रुप और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। देखिए ये पूरी पीआईबी की न्यूज है, ज्यादातर मैं जो डेटा उठाता हूँ पीआईबी से उठाता हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे मोस्ट ऑथेंटिकेटेड डेटा मिलता है। तो अडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम ये किससे रिलेटेड है, टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की बात की गई है। ऐसे जो आएगा उसमें ये भी टर्म आ सकता है कि व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, या फिर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म में आपसे लिखने को कहा जा सकता है, ठीक है। इसमें कोई भी हैंडिंग ओवर नहीं हो रही है, सिर्फ रख रखाव के लिए दिया जाएगा, और नॉन कोर जो एरिया दिए जाएंगे, कोर एरिया नहीं दिए जाएंगे, जहां पे जो भी इंपॉर्टेंट चीजें रखी गई होंगी। तो ये क्या करेंगे, इसमें आपके डालमिया ग्रुप है जैसे, इन ये क्या बनेंगे, एक तरह से मॉन्यूमेंट मित्र बनेंगे, ठीक है। और इसमें एक पूरा विजन सबसे मांगा गया था कि आप अपना अपना सब लोग प्रपोजल दो, तो डालमिया ग्रुप को चुना गया है इसमें। और इसमें वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, एमिनिटीज क्रिएट करेंगे, साफ सफाई करेंगे, नॉन रिवेन्यू जनरेटिंग प्रोजेक्ट है ये, और इसमें लिमिटेड एक्सेस होगा, ठीक है। केवल ये देखिए लिखा हुआ है, ओनली फॉर द डेवलपमेंट ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, केवल इन तीन चीजों के लिए दिया गया है, बिका विका नहीं है कोई लाल किला, कई लोगों ने बोला था जैसे। 27वां सरस्वती सम्मान 2017 वाला अप्रैल में दिया गया, ये वाला वैसे मैंने कल भी बताया था। सरस्वती सम्मान जो है 1991 में चालू किया गया, 22 लैंग्वेज में दिया जाता है, नाम याद रखिएगा किसको दिया गया है, शीतांशु यश चंद्र को, वखर जो है इनकी पोएट्री कलेक्शन के लिए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग हो गई है 138वीं। इसको पब्लिश कौन करता है, फ्रांस का जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है। तो ये देखिए 2017 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इंडिया की रैंकिंग थी 136, अभी हो गई है 2 प्लेस गिर गई 138। तो मतलब कि इनके हिसाब से जो इंडिया में मीडिया की फ्रीडम है वो घट गई है। वैसे आप देखते ही हैं मीडिया, मीडिया तो इंडिया में सब बायस्ड है, सब बटा हुआ है, हर पॉलिटिकल पार्टी जितनी भी है इंडिया में सबके अपने अपने सेक्शन है मीडिया में। चलो खैर जो भी हो, सार्क कंट्री में अगर आप इंडिया की रैंकिंग देखेंगे तो इंडिया की रैंकिंग सबसे खराब है, बस पाकिस्तान और बांग्लादेश, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे बस जो मीडिया है वो इंडिया से खराब है, बाकी अफगानिस्तान तक में इन्होंने जो अफगानिस्तान को भी रैंकिंग हमसे ज्यादा दी है, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। ब्रिक्स में रशिया और चाइना हमसे पीछे थे और नॉर्थ कोरिया पीछे से फर्स्ट आया है, मतलब 180 देशों की रैंकिंग हुई थी और नॉर्थ कोरिया सबसे लास्ट में है, मतलब नॉर्थ कोरिया में कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है। वैसे भी वो किम जोंग उन वो सब कैसे करता है वो तो पता ही है आपको। टॉप 10 कंट्रीज, नंबर 1 पे है नॉर्वे, ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्वे, स्वीडन, तो नंबर 1 2 हो गया। फिर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो डे होता है वो आपका मनाते हैं 3 मई को मनाते हैं। इस बार की थीम क्या थी, कीपिंग पावर इन चेक, मीडिया जस्टिस एंड रूल ऑफ लॉ। बीच बीच में मैं पिक इसलिए इंक्लूड करता हूं ताकि जो पिक्टोरियल मेमोरी होती है, ठीक है, वो काफी लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो आपको याद रह जाए। फिर देखिए सागर कवच क्या है, सागर कवच एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है, जो यूपीपीसीएस के डिफेंस वाले लोग हैं वो याद रखिएगा, जैसे कई सारी चीजें डिफेंस में जो लेटेस्ट करंट अफेयर में आप देख सकते हैं, तो इसमें एक ये भी पॉइंट लिख दीजिएगा कहीं किसी तरह। तो कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है सागर कवच, इसका पर्पस क्या है कि ये जितने भी कोस्टल सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको और स्ट्रेंथन करेगा, केरला कोस्ट के अराउंड इसको मतलब ये एग्जीक्यूट किया गया था एक्सरसाइज को, और इसमें पार्टिसिपेशन किसका था, जितनी भी इंडिया की फोर्सेस हैं, आईसीजी, नेवी, कोस्टल पुलिस, मरीन इन्फोर्समेंट विंग और जितने भी हैं। इसमें देखिए 3 शिप नेवी के थे, 10 आईसीजी के। तो ऑब्जेक्टिव इसमें क्या था, मतलब कि कुल मिला के जो मैरीटाइम ये पायरेसी है, ठीक है, और प्लस जो सिक्योरिटी को और ज्यादा स्ट्रेंथन करना, ठीक है। अब देखिए अगर आप टेरिटोरियल वाटर की बात करेंगे तो जो बेस लाइन होती है वहां से 12 नॉटिकल मीटर तक होता है टेरिटोरियल वाटर, 12 नॉटिकल मीटर होता है कॉन्टिजुअस, और करीबन 200 होता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। 12 नॉटिकल मीटर में जो टेरिटोरियल वाटर होता है उसमें पूरी तरह से एक कंट्री का हक होता है, उसके जो भी रिसोर्सेज हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ये है कि आप मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं जो भी रिसोर्सेज, ये एक बेसिक डिफरेंस है, बाकी आप विकिपीडिया से देख लीजिएगा।
इस कोस्टल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए, अब देखिए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम का जो एक प्राइज होता है यूनेस्को या फिर गुइलेरमो कैनो प्राइज बोलते हैं, 1997 से चालू किया गया था ये, और ये इस बार मिला है इजिप्ट के फोटो जर्नलिस्ट महमूद अबू जैद को। ठीक है, फिर क्वेश्चन ये आ सकता है कि इंडिया का पहला इंसेक्ट म्यूजियम, ठीक है, ये कहाँ पे बनाया गया है? ये बनाया गया है तमिलनाडु में, बस इतना जरूर याद रखना है। इंडिया का पहला जो कीड़ा वाला है, इंसेक्ट मतलब आप कीड़े मकोड़े का म्यूजियम बनाया गया है, ये कहाँ पे बनाया गया? तमिलनाडु में। ठीक है, और ये इसमें देखिए इस लॉबी का जो ये म्यूजियम था उसकी लॉबी का ये क्या थीम क्या था? बग्स आर किंग्स। ठीक है, तो कीड़े मतलब राजा हैं, पर मतलब मैं ऐसे ही कर रहा हूं तो बता रहा हूं, बग्स आर किंग, याद रखिएगा आप इसको, ज्यादा इसमें जरूरत नहीं है, बस यही इंसेक्ट प्रिजर्वेशन पे आपको ध्यान दिया जाएगा। संतोष ट्रॉफी 5वीं थी इस बार, सॉरी केरला ने जीती संतोष ट्रॉफी 2017-18 का टाइटल, 72nd एडिशन था इसका। आपका फाइनल कहाँ पे हुआ था? साल्ट लेक स्टेडियम में, कोलकाता में हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जो इन पूरे इंडिया में हम लोग फॉलो करते हैं मिशन नॉर्म्स, वो हमारे जैसे BS होते हैं, भारत स्टेज होते हैं, वो क्या है? वो यूरो के नॉर्म से लगभग पैरेलल है, यूरो के नॉर्म के इतने के जैसे जैसे, मतलब मान लीजिए वहां यूरो वन आया तो यहाँ पे BS1 आया, वहां पे यूरो 2 आया तो थोड़े दिन बाद यहाँ पे BS2, इस हिसाब से चलता है, हम उनसे थोड़ा सा पीछे तो रहते ही हैं। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बात की है कि पूरे इंडिया में जो आपके BS4 है, BS4 से हम डायरेक्ट जाएंगे BS6 की तरफ, और ये कब होगा? 2020 में, लेकिन दिल्ली में कब हो जाएगा? दिल्ली में 2019 में ही हो जाएगा। तो दिल्ली ऐसी पहली सिटी होगी कंट्री में जो कि BS4 से डायरेक्टली BS6 आ जाएगी। ठीक है, तो दिल्ली में कब से हो जाएगा? 1 अप्रैल 2019 से BS6 नॉर्म्स आ जाएंगे, और पूरे बाकी कंट्री में 1 अप्रैल 2020 से आएंगे। फिर ये क्या है? टियांगोंग है, चाइना का ये स्पेस स्टेशन है जो कि ब्रेक होके आपका पैसिफिक ओशन में गिर गया था, इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं ये, बस ये ध्यान रखिएगा। क्या पता कई बार मैच द फॉलोइंग कर में आ जाते हैं ये लोग, कि ये टियांगोंग किससे कहाँ का है? चाइना का है ये। ठीक है, क्रैश होके वहां पे गिर गया पैसिफिक ओशन में। अच्छा, ओशन से याद आया कि ओशियन में अगर आप लॉन्गेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखेंगे तो उसके लिए क्या ट्रिक है? पैसा। ठीक है, पैसा जिसके लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो P से क्या हो गया? नहीं, वैसे अब कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं हमको ये जज्बा है, सिविल सर्विसेज का जज्बा है, जो भी बात है बढ़िया बात है, लेकिन पैसा तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती ही है। तो पैसा आप याद रखिएगा, मतलब किसी भी तरह आप पैसा याद रखिएगा, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न और आर्कटिक। तो ये है आपके लॉन्गेस्ट ओशन से लेके स्मॉलेस्ट तक। अब देखिए वेस्ट बंगाल, ये जो है आपका पश्चिम बंगाल, दो इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक है आपकी देखिए ये कन्याश्री है, ये एडुकेशन के लिए आई थी, और अभी आई है रूपाश्री, ये मैरिज के लिए आई है, गरीब बच्चियां हैं जो उनकी शादी के लिए वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट पैसा देगी। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है? 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए और उनकी फैमिली की इनकम 1.5 लाख से कम होनी चाहिए, कोई ऐसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं है। और दूसरी बात यह कि 25,000 रुपये मिलेंगे, अब 25,000 रुपये में किसकी शादी होती है? 25,000 रुपये में तो पूरा सामान भी नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा तो इसको ज्यादा देना चाहिए था। चलो खैर, बाकी स्टेट से तो बेटर है, कम से कम कुछ तो दिया। उसके बाद ये है कि गवर्नमेंट वन टाइम फाइनेंशियल सपोर्ट देगी, और ये जाएगा गर्ल के बैंक अकाउंट में, उसके लिए पूरा फॉर्म वॉर्म भरना पड़ेगा। तो देखिए याद रखिएगा क्या, कि जो कन्याश्री है वो है एडुकेशन से रिलेटेड, ये कीवर्ड है, रूपाश्री है मैरिज से रिलेटेड। फिर उसके बाद देखिए जो CBSE के अभी पेपर वेपर लीक हो रहे थे उसके लिए कमिटी बनाई है, उसका अध्यक्ष बनाया गया है VS ओबराय को, बस इतना याद रखना है ताकि वो पूरी प्रोसेस को जांच सके। काश अगर ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया UPPCS के लिए भी कर दे, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो खैर तभी करेगी जब UPSC के हाथ में केस जाएगा। तो UPPCS आयोग में जो धांधलियां चल रही हैं और वो सब चीजें चल रही हैं, 2017 वाला मेंस प्रीपियन करके और पता नहीं क्या क्या, बहुत बड़े बड़े गेम चल रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। कुछ तो संज्ञान लेना चाहिए, UPPCS, MPPCS, BPSC, RAS, इन सब जो स्टेट है उनको सुधारने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए मिस देवजानी घोष ये पहली वुमेन प्रेसिडेंट बन गई है नैसकॉम की, ये आप याद रखिएगा, नई प्रेसिडेंट है ये। नेशनल मैरिटाइम डे मनाया जाता है 5 अप्रैल को, और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन हमारा पहला जो इंडियन शिप था SS लॉयल्टी बॉम्बे से लंदन आया था, उसके बाद ये मनाया जाने लगा। जो आपकी थीम थी
55th एडिशन आप का था ये नेशनल मैरिटाइम डे 2018 वाला, उसकी थीम क्या थी, इंडियन शिपिंग एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो इंडियन शिपिंग एंड ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी ये इसकी थीम थी। और वर्ल्ड जो मैरिटाइम डे मनाते हैं 19 सितंबर को, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, इंडिया वाला जो मैरिटाइम डे मनाते हैं 5 अप्रैल, और वर्ल्ड वाला 19 सितंबर। नासा का हबल टेलीस्कोप, इससे ये भी याद रखेगा हबल टेलीस्कोप कहाँ का है, नासा यानी यूएस का है, उसने अभी तक का सबसे ज्यादा दूर जो तारा है वो खोज लिया है, उसकी इमेज ले ली, उसका नाम है इकारस। अब देखिए यूपीएससी में क्या करेंगे, बोल देंगे कि इकारस वेयर सीन रिसेंटली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, ऐसे करके 4 टर्म दे देंगे कि किससे रिलेटेड है ये। तो ये इसलिए याद रखना है इकारस, ये 9 बिलियन लाइट ईयर दूर है हमसे, लाइट ईयर यूनिट होती है डिस्टेंस की, और ये बहुत ज्यादा ब्राइटर है सन से। फिर देखिए आप AFSPA यानी कि आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये जो है आपका ये कहाँ से, 27 साल बाद मेघालय से विदड्रॉ कर लिया गया पूरी तरह, और अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ डिस्ट्रिक्ट से विदड्रॉ कर लिया गया, हालांकि कुछ डिस्ट्रिक्ट में अभी भी है। तो इस समय अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो AFSPA ये इंडिया में इस समय कहाँ कहाँ पे है, इस समय सिर्फ ये 6 जगह पे है, और एक तो जम्मू कश्मीर में है, और प्लस 5 नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है, कहाँ कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड, इन 5 जगह पे है आपका AFSPA अभी भी लागू। फिर देखिए तो ये याद रखिएगा AFSPA जो है आपका, जो आपका आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, ये समय 6 जगह पे है, ये भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। फिर मध्य प्रदेश में किस जगह पे मोदी जी ने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान स्टार्ट किया, वो है रामनगर जो कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है मंडला में। याद रखिएगा मेन पर्पज यही, पंचायती राज सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, तो उनको फाइनेंशियल भी थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए, थोड़े फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए जाए, जो सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि आपने पावर कट तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया है लेकिन पैसे तो देते नहीं हो, तो लोग काम कहाँ से करेंगे। ये सब चीजें हैं, और अकाउंटेबिलिटी बढ़ाने की जरूरत है, थोड़ी और ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है, जी जो जैसे आपका फाइनेंस कमीशन होता है उसमें थोड़े और रिकमेंडेशन आने चाहिए। TCS ऐसी पहली कंपनी बन गई इंडिया की जिसने 100 बिलियन डॉलर मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर ली थी, याद रखिएगा। ठीक है, ये बस इतना ही याद रखिएगा। TESS ये क्या है, ये स्पेस टेलीस्कोप है, नासा ने किया था एक्सो प्लानेट के लिए, एक्सो प्लानेट मतलब जो हमारे सोलर सिस्टम वाले प्लानेट नहीं है। फिर उसके बाद देखिए सऊदी अरेबिया से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज है। सऊदी अरेबिया ऐसा पहला कंट्री बन, मतलब 35 साल बाद इन्होंने पहला सिनेमा स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सऊदी अरेबिया पहला कंट्री था जिसने रोबोट सिटीजनशिप दी थी, तो ये भी आप याद रखिएगा, और उस रोबोट का नाम था सोफिया। सऊदी अरेबिया ने अभी 50 साल से ज्यादा के बाद वुमेन को, मतलब महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस देना चालू कर दिया है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। फिर ये CHESS-4 क्या है, ये आपका है नासा ने लॉन्च किया है, और ये एक रॉकेट है, ये मार्शल आइलैंड से किया गया था ये। इसका पर्पस क्या है, ये इंटरस्टेलर मीडियम को जो है आपका उसको, और प्लस जो भी मेट्रो का स्टेट में स्टार का सॉरी उसको ये करेगा स्टडी। इंडियन सुपर कप फाइनल, इससे रिलेटेड क्या याद रखना है, कहाँ पे हुआ था, भुवनेश्वर में हुआ था, किसने जीता, बेंगलुरु ISL ने जीता, किसको हराया, ईस्ट बंगाल आई लीग को हराया। ठीक है, बस इतनी चीज याद रखनी है, किससे रिलेटेड है, फुटबॉल से रिलेटेड है बस। ये फोटो में मन हो तो पढ़ लेना भी, बाद में वहां पे PDF दे दूंगा वेबसाइट पे। ये मैं बता चुका हूँ शूटिंग कह रहे हैं अगली बार से जो बिर्मिंगम में होगा उसमें हम नहीं इंक्लूड करेंगे, तो इंडिया ने भी बोल दिया है कि ठीक है फिर हम भी नहीं करेंगे पार्टिसिपेट। ये देखिए इंडिया का मोस्ट पावरफुल रेल इंजन ये बनाया है, अभी तक इंडिया में इंजन कितने के बनते थे, 6,000 हॉर्स पावर के, और ये बना है 12,000 हॉर्स पावर का, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। और ये आपका कहाँ से स्टार्ट किया, या कहाँ से मतलब इसको ये किया है, बिहार के माधेपुरा लोको फैक्ट्री से। ठीक है, तो बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट है, और 12,000 का है ये। यही पूछ सकते हैं कि आपका ये इंडिया ने जो अभी मोस्ट पावरफुल बनाया है वो कितने हॉर्स पावर का है, 12,000 का है, तो पहला फैक्ट्री हो गया बिहार के माधोपुर से निकला है ये। ठीक है, और इंडिया ने अब ये अभी तक जो 12,000 हॉर्स पावर वाले जो कंट्री है उनकी लिस्ट में शामिल हो गया, रशिया, चाइना, जर्मनी, स्वीडन, ये सब है। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आपका PSLV-C41 ने आपका लॉन्च किया है IRNSS-1L। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा,
देखिए IRNSS के बारे में अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी में भी इस बार क्वेश्चन आया था, थोड़ा देख लीजिएगा इसको जरूर। इसी को मोदी जी ने नाम दिया था नाविक या फिर सेलर। इसकी जो आपकी टोटल रेंज है वो कितनी, इंडिया और 1500 किलोमीटर के आसपास है, मतलब पूरा ग्लोब कवर नहीं करता है, सिर्फ रीजनल है ये। और इसका जो मेन चीज क्या है कि अभी तक ये देखिए सात है इसमें, जो भी कॉन्स्टेलेशन साइज है इसको 11 बड़ा बना के कर देंगे, और लास्ट लॉन्च किया है आपका 12 अप्रैल को। अब इसमें एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि आपका जो ये सिस्टम है इसमें से चार जो है सेटेलाइट वो जियो स्टेशनरी है, और तीन है आपके जियो सॉरी चार है आपके जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में है, और तीन आपके जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है? तो ये लेटेस्ट वाला है चीजें। अच्छा, ये एल नहीं है, ये आई है ये, ठीक है? IRNS-1I। तो ये PSLV C-41 वाले से किया गया था, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बस C-41 है, ठीक है? और इसमें रूबिडियम एटॉमिक क्लॉक लगी हुई है, वो सब है प्रिसीजन डेटा के लिए। वेट इतना था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, देसी GPS है ये। इससे रिलेटेड और भी चीजें कि जैसे GPS है US का, ठीक है, ग्लोनास है रशिया का, बैडू है आपका चाइना का, तो ये सब चीजें हैं। नेक्स्ट पार्ट में बाकी करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके करते हैं ताकि आपको भी ज्यादा लोड ना रहे, और पूरा करंट अफेयर कर देंगे हम लोग, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ कवर कर देंगे, ठीक है? वेबसाइट हमारी देखते रहिएगा बस, वहां पे PDF भी मिल जाएगी, और जिसको पूरी पैकेज चाहिए उसके लिए इंस्टा मौजूद हो, या फिर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें पूरी जितनी भी PDF है, ये देखिए 7838-69-26-18-18 सॉरी 8, ये है नंबर मेरा, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है और टेलीग्राम है। इस समय व्हाट्सएप ज्यादा नहीं देख पा रहा हूँ, टेलीग्राम पे मैसेज करिएगा इसमें, और ज्यादा जानकारी के लिए, इसमें हर हफ्ते टेस्ट होता है और बाकी काफी सारी चीजें हैं।